हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं अमित मोटर्स राता में और दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे मालवा टोकरी थ्रेसर और हमारे साथ हैं कंपनी के सेल्स मैनेजर जो हमें इस थ्रेसर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संतोष। संतोष जी बताओगे ये कौन सी मशीन है और इसका क्या काम है? ये साइड बकेट वाली मशीन है। ठीक है सर। ये साइड बकेट वाली मशीन है, इसके अंदर जितना चाहे उतना गीला वाला फसल सबसे बढ़िया निकलती है। सर इस मशीन से हम कौन कौन सी फसलें जो निकाल सकते हैं? गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन, चना, चावल, धनिया, मूंग, इतने तो खाली मूंगफली छोड़ के सब धनिया सब माल निकलती है। ठीक है सर। हाँ। और सर इस थ्रेसर की बात करें तो मालवा थ्रेसर के जे कितने मॉडल में आता है? ये साइड बकेट वाला ही एक ही मॉडल में आता है। ठीक है सर। और कंपनी और बनाती है किसी और सर? या इसके अंदर बोले तो चार मॉडल आते हैं और वो पीछे वाले बकेट वाले आते हैं। ठीक है सर। हाँ। और आज हम आप आज इसके बारे में जानकारी दोगे पहले? ये वाले मॉडल। ठीक है सर। इसका क्या काम होगा? इसका जब ये जो नीचे वाला जो खुला अनाज पड़ा रहता है उसके अंदर डालने के बाद वो छलने से छान के पीछे आ जाता है, बोले तो ये बकेट में डालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। हाँ हाँ, इधर से छान के इधर आ जाता है। ठीक है सर। और यहाँ से क्या चीज निकलती है? इधर से कैसा है वो जो वेस्टेज वाला जो माल रहता है ना, वो बड़ी वाला गीला वाला वो जो फसल रहती है ना, वो इधर से आ जाती है। और सर इस थ्रेसर में कितने फैन हैं जो दिए गए हैं? इसके अंदर 5 फैन दिए। ठीक है सर। 1, 2, 3, 4 और ये साइड वाला एक 5वां फैन। ठीक है सर। और सर इन फैन का क्या काम होता है? ये फैन का ऐसा ही काम होता है भैया, जब अनाज में जो कचरा वगैरह जो आता है ना वो साफ करने के लिए ये पत्रे को थोड़ा इधर खींच लिया तो हवा का प्रेशर से उधर घुमा जाता है। ज्यादा हो जाती है? हाँ, हाँ, नहीं ज्यादा हो जाती है, कम कर सकते हैं आप। ठीक है सर। और सर इसमें कंपनी कितने जाल है जो किसान को साथ देती है? इसके अंदर बोले तो अंदर की जो ग्रिल रहते है लोहे के ग्रिल रहते है वो 4 देती है और वो पत्रे वाले झरने वो भी 4 देती है कंपनी। ठीक है सर। और सर इसमें कितने व्हील है जो लगे हुए हैं? ये जो बोले बड़े वाले जो फ्लाई व्हील है ये जो 36 इंच वाले फ्लाई 42 इंच वाले फ्लाई व्हील है वो 2 लगे हुए हैं, एक पीछे और एक आगे। ठीक है सर। और इतने में इसमें बैरिंग की बात करें तो किसने कौन सी असेंबली की बात की जाती है? ये अभी इसके अंदर कैसा है 515 के पेडिस्टल में बोले तो 62-12 की बैरिंग लगी हुई। ठीक है सर। और सर इसके बाद अगर किसान भाई ने अपने फसलों के चक्कर कम ज्यादा करने हो तो कम ज्यादा करने हो गए तो कम करने के लिए ये दो बेल तो फिक्स ही रहते हैं भैया। ठीक है सर। ये दो बेल फिक्स रहते हैं, कम करने के बोले जो अपन को कैसा है बाजरा वगैरह निकलना होता है तो इधर का स्पीड कम ज्यादा करना पड़ता है तो ये दो बेल्ट इधर डालने के, जब सोयाबीन वगैरह निकलने के होगा तो ये बेल्ट तो बीच में रखने के खाली। ठीक है सर। और सर इसका क्या काम हो गया, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है जो खराब वगैरह जो अनाज उधर क्लीन करके बेचता है तो वो जो गुठली वगैरह ये जो है ना ये जो ब्लोर से इधर उछल के इधर नीचे डाल देता है बोरे में। ठीक है सर। और ये क्या चीज़ है सर? ये फैन है भैया। ठीक है। हाँ हाँ। और इससे क्या हो, इसमें क्या इससे इसके अंदर से भूसा आता है, इसके अंदर से और इसके अंदर से भूसा आता है बाहर। और इसमें से क्या क्या कौन सा भूसा आता है सर, इसमें क्या बड़ा? इसके अंदर से बढ़िया आता है बोले तो लंबा भूसा निकलता है इसके अंदर से तो बारीक वाला सूखा वाला इधर से निकलता है, इधर से गीला निकलता है। ठीक है सर। और सर ये टाकी दी यानी जो जब आपको अंदर चौकअप वगैरह होगा जाम वगैरह होगा देखने के लिए इधर ऐसे खुल के देख सकते हैं अपन। ठीक है। इधर जाली वगैरह जाम हो गई, क्या क्या हो गया, झरना वगैरह जाम हो गया, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ठीक है सर। तो सर उसके बाद ये क्या चीज़ लगी है, स्टैंडर्ड का क्या काम है? ये चीज़ का ऐसा काम है भैया, जब आपका अपन का बोलो ये निकल अनाज निकलने का हो गया तो वो जो उधर की बकेट या हैंडल मारने के बाद वो ऊपर आ जाती है। ठीक है सर। और सर इस थ्रेसर को कितने एचपी का ट्रैक्टर है जो चला सकता है? वो 35 HP से आगे कौन सा ट्रैक्टर चला सकते हैं, 35 HP से कम वाला नहीं चल सकता भैया। ठीक है सर। हाँ, इसके ऊपर सर क्या इसमें सब्सिडी मिल जाती? हाँ, है? हाँ, इसके अंदर सब्सिडी भी मिलती है भैया, वो कृषि खाते से आपको मिल जाती है, कृषि अधिकारी के पास से, वो कैसा है फॉर्म वगैरह भर के तो मिल जाती है, अपलोड होने के बाद मिल जाती है। सर इसके प्राइस की बात करें तो इसका क्या प्राइस रहेगा किसान भाई के लिए? इसका प्राइस रहेगा 3,55,000, 3,35,000। ठीक है सर। और सर अगर किसान भाई ने आपका मालवा का थ्रेसर है जो लेना हो महाराष्ट्र में तो कैसे ले सकता है? ये अमित मोटर के पास आने के बाद ही मिल जाएगा भैया आपको राहता में। ठीक है सर। हाँ, उसके नीचे नंबर वगैरह सब दिया है ना। ठीक है सर। तो सर हमारे पास कोई और थ्रेसर है उसके बाद जानकारी दोगे? हाँ देखो दूसरा है ना मालवा। ठीक है।